अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मेथड को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बायोलॉजिकल मेथड के इंट्रोडक्शन की। साइंस इज सिस्टमाइज्ड नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यानी जो साइंस का इल्म हमें हासिल होता है वो इस बेस पे हासिल होता है कि सबसे पहले हम किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन करते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो उसके बाद हमें किसी न किसी साइंस के इल्म के बारे में पता लगता है कि साइंस बेसिकली होती क्या है और किस तरह से इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन की जाती हैं। ये तो हम लेटर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो है वो क्यों किए जाते हैं। These experiments are carried out to determine the principles about how nature operates. अब experiments जो हैं ये science में इसलिए किए जाते हैं ताकि हमें science के basic असूलों का या principles का पता लग सके कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें science से related जो काम कर रही होती हैं वो किस तरह से operate होती हैं, किस तरह से काम करती हैं। साइंटिस्ट लाइक केमिस्ट बायोलॉजिस्ट एंड फिजिस्ट यूज द सेम साइंटिफिक मेथड टू मेक एंड टेस्ट न्यू थ्योरीज। अब जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, चाहे वो कोई केमिस्ट हो, बायोलॉजिस्ट हो या फिजिस्ट हो, वो साइंटिफिक मेथड को यूज करके कोई ना कोई नई थ्योरी को ईजाद करते हैं या कोई ना कोई लॉ जो है उसको बनाते हैं ताकि हम उसकी बेस पे बायोलॉजी को स्टडी कर सकें। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है। अब जैसा कि हमें पता है कि बायोलॉजी जो है ये लिविंग थिंग्स या जानदारों की स्टडी को कहते हैं। अब कोई भी साइंटिस्ट है तो अगर उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है किसी भी लिविंग थिंग या जानदार से रिलेटेड कि ये चीज़ क्यों एग्जिस्ट करती है, अब उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए वो कोई ना कोई तरीका जो है उसको अप्लाई करेगा ताकि वो अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सके। इस मेथड को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। अब वो जो साइंटिस्ट है वो ऐसा साइंटिफिक मेथड को यूज करेगा जिससे उसकी वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड जो है इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो वो बायोलॉजिस्ट जो है उसको अपनाएगा और अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सो बायोलॉजिकल मेथड जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इतनी अहमियत क्यों है। बायोलॉजिकल मेथड हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स। यानी 500 साल से बायोलॉजिकल मेथड जो है ये साइंटिफिक रिसर्च में जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यानी किसी भी रिसर्च को करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड ही यूज़ किया जाता है। 1590 में गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, उसने टेलीस्कोप को इन्वेंट किया था, तो उसने भी बायोलॉजिकल मेथड को ही यूज़ करके जो है वो अपनी एक्सपेरिमेंट की थी। तब से लेके आज तक बायोलॉजिकल मेथड को ही यूज़ किया जाता है किसी भी रिसर्च करने में, ताकि हम जो है साइंस की फील्ड में जो है वो मज़ीद एडवांसमेंट कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें। बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज़। यानी अगर कोई भी चीज़ साइंस इन्वेंट करती है तो वो इस चीज़ को भी जहन में रखती है कि जो पब्लिक के लिए कोई भी चीज़ इन्वेंट की जा रही है उसका क्वालिटी ऑफ डाटा जो है वो बेहतर हो सके। तो बायोलॉजिकल मेथड जो है इस सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। Man as a biologist. Man has always been a biologist. He had to be a biologist in order to live. यानी इंसान जो है ये हमेशा से एक biologist रहा है और उसको biologist इसलिए बनना पड़ा ताकि वो जिंदा रह सके। Early in history he was a hunter of animals and a gatherer of fruits, seeds and roots. यानी पुराने ज़माने में जो इंसान है वो जानवरों का शिकार करता था, यानी शिकारी था, और कुछ प्लांट्स के जो फ्रूट्स और बीज वगैरह होते हैं उनको इकट्ठा करता था। अब इस तरह से जो शिकारी होते थे उनको एनिमल्स के बारे में ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि जानवर जो हैं वो कहाँ रहते हैं, किस तरह से वो बिहेव करते हैं। तो जितना उनको एनिमल्स के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन मिलती थी
उतना अच्छा वो हंटर होता था, यानी उतना अच्छा वो शिकार जो है वो कर सकता था एनिमल्स का. द मोर ही न्यू अबाउट प्लांट्स द बेटर ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन एडिबल एंड नॉन एडिबल प्लांट्स. यानी अब कोई भी इंसान जो कि फ्रूट्स और सीड्स वगैरह को इकट्ठा करता था या अपने अपनी जो सारा दिन है वो प्लांट्स के साथ जो है वो गुजारता था, तो उसको प्लांट्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती थी कि कौन सा प्लांट जो है वो हम खा सकते हैं यानी एडिबल है वो, और कौन सा जो है वो हम नहीं खा सकते जो खाने के काबिल नहीं होता, नॉन एडिबल प्लांट्स होते हैं. तो इस तरह से इंसान जो है वो हमेशा से एक बायोलॉजिस्ट रहा है और साइंस की इंफॉर्मेशन वहाँ से ही शुरू हुई थी. सो आई होप दैट आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है सो डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहें. थैंक यू.